अठ महीने तो आने लगे हैं जिस मुनि के कैंप के बच्चे थी कि ना की थोड़ा करमजीत कौर पिंड तो आयो मैं सुरेंद्रपाल बरनाली दे रहन वाला हूँ। मैं अखबारों यूट्यूब राही संत जगदीश मुनि जी बारे देखिया पढ़िया ये नैचुरपैथी दे नाल कुदरती इलाज प्रणाली दे नाल इलाज करते हैं। मैं इन्हां तो इन्ना प्रभावित होया कि मैं दस नहीं सकता। मैनू स्पाइन की प्रॉब्लम सी, 3 दिन दे विच मैनू 90% मैं ठीक हो गया। इत्थे बड़ी दूर दूर तो लोग मंदबुद्धि वाले बहुत पेशेंट आए है, सारे सैटिस्फाइड हैं, कोई किसी तकलीफ नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई बूटी नहीं, नैचुरपैथी का इलाज है। मैं बहुत इन्हां दे स्टाफ तो इन्हां सारयां तो बहुत प्रभावित। हैलो जी, मेरा नाम बलविंदर कौर, मैं स्कॉटलैंड तो आई हाँ, तो यूके की कंट्री है। तो मेरा 6-7 साल तो एलर्जी की प्रॉब्लम से मैनू जगदीश मुनि जी का पता लग्या यूट्यूब तो। मैं इन्हों बारे पता करके मैं इलाज करा रहा, 6-7 तो इलाज करा रहे थे, मैं कोई फर्क नहीं पिया। तो इन्हों नैचुरोपैथी ना बहुत सोहना इलाज करते हैं। अज मेरा दूसरा दिन है तो बहुत सोहना इन्हों का सिस्टम आ, तो मैं बहुत वधिया इन्होंने देखा, मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं अगे ना बहुत ज़्यादा फर्क है। थैंक यू जी बहुत। मैं तरसेम लाल सन ऑफ श्री साधु राम श्री अमृतसर साहब तो आया हाँ। मैनू बैक पेन की प्रॉब्लम सी जिहड़ी मैं काफ़ी देर तो इलाज भी करवा रहा सी लोगों को, पर नहीं मैनू कोई फर्क नहीं पिया। हुण मैनू जगदीश मुनि जी न्यूरो थेरेपी द्वारा इलाज करते हैं, मैनू इन्हां दे बारे पता लग्या। फिर हुण मैं इन्हां दे कोल आया, मैनू अज 4 दिन हो गए ने, मैनू काफ़ी फर्क हैगा इहदा। मैं लोगों को अपील करदा वी श्री जगदीश मुनि जी को आओ ते न्यूरोथेरेपी द्वारा अपना इलाज करवाओ। मैं सतीश कुमार हिमाचल से आया हूँ। अतः मेरे को भीट एलर्जी की दिक्कत थी, मैं लगभग 1 साल से परेशान था, लेकिन तब जगदीश मुनि जी के मेरे को कैंप के बारे में पता लगा, मैंने यूट्यूब पे देखा और यहाँ मोगा में पहुँचा हूँ। अतः मेरा यहाँ नेचुरोपैथी के द्वारा इलाज हो रहा है और मेरे को बहुत आराम है। 1 साल से मैं एलोपैथी की दवाइयाँ खा खा के परेशान हो चुका था, मेरे को स्किन की एलर्जी हो चुकी थी इससे, लेकिन वो भी जब से ट्रीटमेंट करा रहा हूँ यहाँ 3 दिन से, मेरे को स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तब से। अतः मैं सब पब्लिक को यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ जगदीश मुनि जी का जहाँ भी कैंप लगे आप ज्वाइन करें, यहाँ सारी बीमारियों का कुदरती तरीके से इलाज किया जाता है। नमस्ते जी, मेरा नाम रमजीत है, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मेरे लड़के को CP की प्रॉब्लम है, मैं संत श्री जगदीश मुनि जी के पास अपने लड़के को लेके आया हूँ। तो गुरु जी 5 साल से लेके 15 साल के बच्चे का इलाज करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है, और मैं भी इसी उम्मीद से आया हूँ कि मेरा लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाकी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि ठीक हो के गए यहाँ से, और हम इसी उम्मीद से आए हैं कि हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं सभी पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा CP चाइल्ड को गुरुजी के पास लेके आएं, ताकि उनका भी बहुत अच्छे से इलाज हो, वो भी बच्चे बिल्कुल ठीक हो के अपने घर जाएं, जैसे मैं अपने बच्चे की उम्मीद लेके आया हूँ, वैसे और लोग भी आएं और अपने बच्चे को बिल्कुल ठीक करके गुरुजी से लेके जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं रजवंत कौर हुशियारपुर जिले से बिलोंग करनी हाँ। मैं मोगा जिला मोगा पिंड छिड़क तो जगदीश मुनि जी को अपना गोडे का इलाज करवाया, मैंने बहुत वधिया लग्या। इस तरह साध संगत को बेनती है कि अपना इलाज करवाओ तो अपना जीवन सफल करो। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरू फतेह। हाँ जी, मैं पिंड चड़क तो एक जगदीश मुनि जी का कैंप लग्या, मैं उस कैंप में आई हाँ। मेरे गोडे दुखते अगे नो मैं 40% फर्क आ। सारे वध तो वध कैंप दे विच आओ, अपना इलाज कराओ, बहुत वधिया इलाज आ, बहुत वधिया ढंग ना करदे ने।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਚਿੜਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕ ਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਆਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਚਿੜਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੜਕ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਿੜਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ  50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਵੇਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇਗੇ ਫਟਾਫਟ ਆਓ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਰੇਨ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ 5 ਸਾਲ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਜਲ ਪਾ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਕੋਮਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ। ਅਭੀ ਤੋ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਣਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਝੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਚਲਾ, ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇ ਮਾਲੂਮ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਲੈ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੀਏ ਆਗੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਦਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ, ਸੀ ਪੀ ਸੇ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਮਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਥਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇ, ਤੋ ਹਮ ਇਸਕੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੋ ਆਜ ਹਮਾਰਾ ਚੌਥਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਪੀ ਸੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਦਿੱਕਤ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯਹਾਂ ਆਏ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ। ਯਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਚਰ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਇਲਾਜ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਕਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਮ ਜੰਮੂ ਸੇ ਆਏ, ਸੀ ਪੀ ਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਆਏ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ। ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਰਾਮਜੀ ਯਾਦਵ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੇ। ਸੀ ਵੀ ਪੇਸੈਂਟ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਨਕਾ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਲਗਾ।
कई वीडियो मैंने इनका देखा, मुझे अच्छा लगा और फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेकर के यहाँ आया। और मेरा पहला कैंप है, अभी इलाजी चल रहा है मेरा, देख करके बहुत खुशी हो रही है। जिनके बच्चे हों इस तरह सीपी पेशेंट या और भी किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, वो आकर के जगदीश मुनि जी से इलाज करवाएं। सत जी, असं संत जगदीश मुनि आचार्य जगदीश जी के आश्रम च आए हैं। साढ़े बच्चे का सीपी का इलाज होना पंजवां दिन, अज बहुत फर्क है, अगे नालों अगे भी कैंप जगह अटेंड करांगे। नमस्कार जी, मैं राजपुरा पंजाब का रहने वाला हाँ। तो मेरे बेटे को सैलिबर पालसी की प्रॉब्लम हैगी है। मैं संत बाबा जी जगदीश मुनि जी का पता यूट्यूब ते फेसबुक ते उन्हां दी वीडियो राही पता लग गया, तो मैं इत्थे आया। मैनू ये सैकेंड कैंप हैगा, तो मेरे बच्चे नू इस टाइम पेट की जिहड़ी दिक्कत सीगियां कब्ज़ वगैरह उसका काफ़ी फर्क हैगा। बाकी असी इलाज कंटिन्यू करना चाहते हैं, इतने रब की कृपा नाल उन्हूं होर भी ज़्यादा फर्क पै जाए। सत श्री अकाल जी, मैं लुधियाने धोरी की चोपड़ा बोल रही हाँ। मेरी बेटी नूं 3 साल पहले डायग्नोस हुई सी वीट एलर्जी। मैनू संत जगदीश मुनि जी का पता लग्या 1 साल पहला। आपनूं यह तीसरा कैंप मेरी बेटी ने अटेंड किया है, ये हुण बिल्कुल ठीक है। यदि वीट एलर्जी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। पहला इनका एच पी लैवल से 8.5 ग्राम, नाउ इनका एच पी लैवल है 12.6 और इनका टी टी जी लैवल भी बिल्कुल नॉर्मल है और ये हुण बिल्कुल ठीक है और सब कुछ खा पी सकती है और इनू हुण कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं संत जगदीश मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और इस टाइम मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने न्यूरो हीलिंग थैरेपी दे राही मेरी बेटी का इलाज किया है और इलाज विच भी बड़ा कोई वो पेनफुल कुछ भी नहीं है, बड़े आसान तरीके दे नाल इलाज होया है और बड़ा इनू फर्क पिया है। तो मैं संत जगदीश मुनि का तह दिलों धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने मेरी बेटी नू बिल्कुल ठीक कर दिता है। शुक्रिया। हैदराबाद तो आई हैं परमजीत कौर, मेरी साइड सुन मिल गया। मैं संत जगदीश मुनि जी का यूट्यूब से देखा प्रोग्राम, तो मैं भी उस तरह मेरी थेरेपी कराई है जिमें ये करते हैं, तो मतलब मेरा पहला नालों काफ़ी फर्क। सत श्री अकाल जी, जी मैं मित्र कुमार रावसर तो आया अपने बच्चे को लैके। वो जी शुरू तो चलन नहीं लिया, बचपन तो ही इतना जी, ऑपरेशन भी कराया सी, उहदे नाल भी कोई फर्क नहीं पिया। हुण इत्थे जी फाजिलका मैं संत जगदीश मुनि कोल लै के आ रहा। मैनू तीजा कैंप है जी, उहदा थोड़ा जिहा मैनू फर्क दिखिया, ते वैसे बच्चा काफ़ी ठीक है जी। मेरा बच्चा सीपी है, तो साढ़े इतने दूजा कैंप है, तो इन्हों की कृपा नाल मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, सानू फर्क लग रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि सारे बच्चे इतने लेके आऊँ तो इन्हों तो इलाज कराओ। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम कुलविंदर सिंह, असं फगवाड़े तो बिलोंग करते हैं। मेरा बेटा 8 साल का है, वह सीबी पेशेंट सी, ते ना वो बोलता सी ना ही तुरदा सी। सानू संत जगदीश मुनि जी बारे पता लगा जो थेरेपी दे नाल इलाज करा दे, बगैना दवाई तो थेरेपी नाल इलाज करो करते हैं जी। तो ये साडा दूसरा कैंप आ, तो साढ़े बेटे नू पहले कैंप तो ही थोड़ा जिहा सानू लग फर्क लगन लग पिया सी, असीं दूसरा कैंप लगा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बाबा जी की कृपा नाल साडा बेटा संत जगदीश मुनि जी की थेरेपी दे नाल बिल्कुल ठीक हो जूगा जी। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं काफ़ी साल तो बैक पेन तो प्रॉब्लम तो बहुत परेशान हाँ। अज लहरा गागा तो जगदीश मुनि जी का कैंप लग्या वे, मैं उत्थे इलाज करवाना आया हुआ। इतने देश विदेश तो लोग आ रहे हैं बाबा जगदीश मुनि जी तो इलाज करवाने वास्ते। बहुत वधिया सख्त मेहनत नाल बाबा जगदीश मुनि जी तो उन्होंने साथी बहुत वधिया मेहनत नाल इलाज कर रहे हैं। ये तो बहुत दूर दूर संगत आ रही है,
ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੋਥਰੈਪੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹਰਮਨ ਪ੍ਰਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 80 ਤੋਂ 75% ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 80% ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਨੀਓ, ਹਲਕੇ ਕੰਨੀਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਰਿਓਂਦ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਰੁਕਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਬੂਰਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਤਬਲੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਐਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਵਜਾਉਣ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਅੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਫੇਰਦਾ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕਣਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਬੇਟੀ ਕੋ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਬਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਲਿਆ? 5 ਦਿਨ ਆਈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਅੱਛਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਅੱਛਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੀਲਿੰਗ। ਹੀਲਿੰਗ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਠੀਕ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਰਿਓਂਦ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਬਲਾ ਪਲੇ ਕਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਰੁਕਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਬੂਰਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਤਬਲੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਐਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਵਜਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਅੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਫੇਰਦਾ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕਣਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੌੜ ਮੰਡੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ? 15 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਲਾਜ? ਸਿਕੰਜੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਲਾਜ? ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ। ਵਧੀਆ। ਚਲੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਵਿਤਾ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਆਪ? ਫਗਵਾੜਾ। ਫਗਵਾੜਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਬੰਦ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਮੇ ਦਰਦ ਹੈ, 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ।
तो ये जो संत जी का न्यूरो हीलिंग कैंप चल रहा है, इसके बारे में कैसे पता लगा आपको? ये मैं फेसबुक। और यहाँ कितने दिन इलाज लिए? आज पांचवा। पांचवा दिन। कैसे लगा? मतलब सिर दर्द में तो काफी आराम है। कान की प्रॉब्लम अभी चल रही है, वो इलाज चलेगा अभी आगे। सिर दर्द में मतलब काफी आराम। काफी आराम। हाँ। ये ट्रीटमेंट आपको कैसे लगा? ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि ये मालिश करते हैं, कई कह देते हैं अभी मालिश है। नहीं, नहीं, मालिश है या क्या है? सेवा भाव से पूरी उनकी नाड़ियों की जांच परख करके फिर किया जा रहा है। ठीक, अच्छा लगा आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा, गुड। क्या नाम है आपका? हमारा सतनाम कुमार है। सतनाम जी, आप कहाँ से आए? हम जलंधर से आए। जलंधर से आए। तो ये न्यूरो हीलिंग कैंप जो संत जी ने लगाया, इसके बारे में कैसे पता लगा आपको? जी बहुत अच्छा कैंप है जी, बहुत। आप पता कैसे लगा? देखा है, बहुत अच्छा है। लोगों से मिले, बहुत आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट भी अच्छा। आज आपका कौन सा दिन है? आज हमारा पांचवा दिन। पांचवें दिन के इलाज में आपको कैसे लगा? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा इलाज? कई लोग कह रहे हैं कि ये मालिश ही करते हैं, तो मालिश नहीं है, कोई VIP पॉइंट है जो आपको ही मार रहा है। जी जी, तो मालिश तो हर कोई कर सकता है, जो पॉइंट है वो उसकी नॉलेज खास ही होती है, जैसे आपको है। जी जी, ग्रुप को है। जी जी, ठीक लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शुक्रिया। हम खड़ी हो जी, खड़ी हो। अच्छा, गुड। चल के दिखाओ, वापस आ जा। गुड गुड, ठीक है। मैं कह रहा हूँ निकल गया, ठीक है, ओके। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ? ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੁਨੀ ਜੀ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥੈਰੇਪੀ? ਅੱਠਵਾਂ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਸੁਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪ ਜੀ? ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਉੱਠ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੋ ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ, ਪ੍ਰਣਾਮ। इनका तीसरा कैंप और ये बच्चे का इलाज चल रहा है जिसको सेरेब्रल पाल्सी मींस CP थी, और इसका इलाज के बाद इस बच्चे को बहुत फायदा है, काफ़ी ठीक है, खड़ा होने की कोशिश भी करता है और खड़ा हो भी जाता है। बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश में
शुरू में आया था तो काफ़ी एडवेंस था और ठीक नहीं था। ये मेरे पास आंध्रा से तेलंगाना से आए हैं, तो मेरी कोशिश है कि इनके आंध्रा के अंदर जो ऐसे बच्चे हैं जो कि सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं, तो ये अपनी भाषा में अपने लोगों के लिए बताएंगे कि ये इलाज कैसा है, इससे कितना फायदा है, और वो बच्चे भी इसका फायदा ले सकें, तो ये अपनी भाषा में बताएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कल्याण है, गुंटूर से आया है आंध्र प्रदेश जी। मेरे लड़के से सीट प्रॉब्लम है जी, मैं दिल में बोलता है आप पेर कल्याण है, मेरे गुंटूर ने पूछा तो माँ अब्बाई मूड़ा कैंप थे, माँ अब्बाई सीट भी हो चुके तो మన ఫేస్‌బుక్ లో తీసుకోలేను గురిగా దేకొచ్చు ఫజల్క వచ్చే పంజాబ్ స్టేట్ ఫజల్కన్ ఊర్లో ఉన్నా నేను మూడో క్యాంపెయిన్ ఇది మా అబ్బాయి కొంచెం పర్లేదండి దయచేసి అందరికి రండి మీరు ఒకసారి వచ్చి మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉన్నదో రియాక్షన్ మీకు తెలుస్తుంది గురిగా చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఇక్కడ మన భవిష్యత్తుకి చాలా మనకి రుణపడి ఉండింది అనమాట దయచేసి ఒకసారి వచ్చి చూడండి మీరే తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఎంతమంది ఇలాంటి పిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది చాలా గురించి గారు ఇక్కడ చాలా సేవలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి పిల్లలు చేయడం చాలా ధన్యవాదాలు గురించి మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆంధ్రకి బోల్దియాకి అగర్ ఆకే ఆస్ పాస్ నజదీక్ బచ్చా ఎవరైనా సరే చుట్టుపక్కల ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నా కానీ ఎవరైనా సరే ఇలాంటి సిపి ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లలు ఉంటే దయచేసి రండి అందరూ వచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడ చేయట్లేదు మన ఇండియాలో ఏమన్నా ఎక్కడ చేయట్లేదు ఓన్లీ ఇక్కడ ఫజల్ కళ్యాణ్ చేస్తా పంజాబ్ స్టేట్ ఫజల్ కళ్యాణ్ చేస్తున్నారు దయచేసి అందరూ ఒకసారి రండి ఫేస్బుక్లో ఒకసారి వాట్సాప్లో చూడండి ఒకసారి దయచేసి అందరూ ఒకసారి రండి మొబైల్ నెంబర్ 7589337 ఇంకా మొబైల్ నెంబర్ గురుజీ మొబైల్ నెంబర్ ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి దయచేసి వాట్సాప్లో ఉంటారు ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి ప్రజలు కానీ ఊరు పంజాబ్ స్టేట్ అని ఉండేది హాజీ క్యా నామ్ మేరా నామ్ గోల్డీ హై దిల్లీ సే అచ్చా దిల్లీ సే ఆయే దిల్లీ దేశ్ కి రాజధాని జీ ये जो न्यूरो हीलिंग कैंप का आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझे फेसबुक से पता लगा था। फेसबुक से पता लगा तो क्या प्रॉब्लम थी? सीपी की प्रॉब्लम थी बेटे को जी, कब्ज भी रहती थी बेटे को जी, उसी के लिए आपके पास आए थे। तो अभी कैसे लगा? अभी पेट की प्रॉब्लम तो उसकी खत्म ही हो गई है, कब्ज तो रही नहीं थी। ये कौन सा कैंप अटेंड कर रहे हैं आप? मैं ये छठा कैंप अटेंड कर रहा हूं। छठा कैंप, छह कैंप, काफी लंबा सफर हो गया, तो आपको कैसे लगा, क्या अनुभव आपका हुआ? गुरुजी मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बेटे को स्पीच में भी आराम आने लग गया जी, पेट की जो समस्या थी वो भी खत्म हो गई है, राइट, धीरे धीरे फर्क पड़ ही रहा है। गुड, आपको आशा है कि बच्चा ठीक हो जाएगा? आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात, हमने बच्चा ही आपको सपोर्ट कर दिया था इसलिए। वाह जी। अच्छा दूसरी बात है कि छह कैंप हो गए, आपको जैसे मान लो इलाज दे रहे हैं जी, इलाज दे रहे हैं, तो इस इलाज को कई लोग बार मालिश ही कह रहे हैं, मैंने सुना है, बार देखते हैं, मालिश में इसमें कोई अंतर लगता है क्या? मालिश तो गुरु जी एक अलग चीज होगी, ये तो न्यूरो हीलिंग है, ये मालिश नहीं है, इसको मालिश नहीं कह सकते। मालिश तो कोई भी कर देगा जी जी, लेकिन जो पॉइंट्स आपको बताए जिनको आप छेड़ते हो वो मालिश वाला छेड़ नहीं छेड़ पाया कभी भी जी जी, मालिश वाले तो सीधी रगड़ना है, अगर मालिश वाला ही कर लेता तो आज के लिए समस्या ही खत्म हो जाती संसार से। वो तो घर में भी कर सकता है। अब अगर हमें कोई गिरता है बच्चा तो मोच आ गई तो मालिश तो हम घर में भी कर देते तेल लगा। नहीं, क्या ये वैज्ञानिक टाइप लगता है आपको? बिल्कुल साइंस के मुताबिक लगता है। साइंस के मुताबिक लगता है। आपको पॉइंट्स पता है, जो आप पॉइंट्स दबाते हैं उससे बच्चे को आराम आता है। पूरा प्रोसेस आपको ठीक लगा? मेरे को पूरा प्रोसेस ठीक लगा। गुड। की नाम है? हाँ जी, मनवीर सिंह। अच्छा छोटा बेटा है, केड़ी जगह तो आयो? की प्रॉब्लम की सी? ये जिदा बोलदा नहीं सता, इदे निगाह दे विच काफी प्रॉब्लम सी, दूर पे चीज मतलब की नजर नहीं सी आ जी। ये फिर मतलब की इसके पहले शेयर करके, ये जेड़ा न्यूरो हीलिंग कैंप है, इदा तुहानू पता किवें लग्या? सानू कि
ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕੋਦਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਪ ਤੀਸਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 80% 80% ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 80 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਇਲਾਜ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਲਾਜ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲਪੈਥੀ ਕੁਦਰਤੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਸਮਝ ਇਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਪੈਥੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਹੰਝੂ ਵੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਮਤਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤਾਈਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੇਝਿਜ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲੈਣੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ ਸੀਪੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸੀਪੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸੇ ਕਿਤੇ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਲੀ ਮੰਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਮਨਾਵਾੜੀ
चला गया जी मैं आपके डेयर में, उस दिन आप नहीं मिले जी और आपके जो टायर है जो मिले थे उससे बातचीत हुई हो ना कि 26 तारीख को कैंप लगेगा आप आ जाना और 26 तारीख को मैं कैंप में आ जाऊँगा। अच्छा तो यहाँ जो इलाज लिया 5 दिन हो गया आज, आज आखिरी दिन, कैसे लग रहा है आपको बच्चे का इलाज? बच्चे का ठीक लग रहा है जी, जैसे इलाज चलता रहा था हो सकता है बच्चा ठीक हो जाए। हो सकता है मतलब कुछ लग रहा है भी ठीक हो जाएगा। हाँ इलाज कैसे लगा जब इलाज जच गया तो? नहीं इलाज तो जो इलाज किया है संत जी ने वो कैसे लगा आपको? वो बहुत अच्छा लगा जी। तो कई मालिश ही कह रहे हैं ना, मालिश करते हैं? नहीं नहीं ये मैं जो थेरेपी करवाई थी उसमें इसमें कोई फर्क है? बहुत अंतर आई। अच्छा अंतर है, क्या अंतर लगा आपको? वो तो ये वैसे नॉर्मली करते थे। अच्छा अच्छा ये प्रॉपर इलाज लगा आपको? प्रॉपर इलाज लगा जी। क्या बात, गुड गुड ठीक। क्या नाम है? कहाँ से आए? मूर्ति नगर। कहाँ? उत्तर प्रदेश। अच्छा यूपी से। मूर्ति नगर? मोदी नगर। मोदी नगर, अच्छा मोदी नगर यूपी में। मोदी जी योगी जी भी शायद। क्या प्रॉब्लम थी? मेरे सर्वाइकल की वजह से मूर्ति नगर सर में, मेरे को 3 साल से सर में इतना दर्द रहता था कि बहुत दवाइयाँ खाई, मेरे सिर में आराम नहीं लगा, एक दिन भी बिना दवाई के नहीं रह सकती और अब मेरे सिर में भी आराम है, एक दिन मैंने कोई दवाई नहीं खाई 5 दिन से और इस हाथ में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था कि इसमें नसों का कुछ इकट्ठा हो गया है, यहाँ में ऑपरेशन होगा। संत जी के बारे में कैसे पता लगा? फेसबुक पे देखा। कितने दिन इलाज लिया? अभी 5 दिन का। 5 दिन लिया। ज्यादा खर्चा खुर्चा तो नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं, आने जाने का लगा तो क्या, तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही है। लोगों को क्या कहेंगे? लोगों को जिसको भी परेशानी, मैं तो कहूँगी कि वहीं जाओ। अच्छा लगा इलाज? बहुत अच्छा। मेरा नाम पावन कौर, मैं लुधियाना तो आई हूँ। मेरे पिछले कुछ साल तो मेरे को प्रॉब्लम चल रही थी और डॉक्टर ने गोली बदलाव की सलाह दी थी। कुछ दिन तो मैं यूट्यूब के संत रेडिएशन थेरेपी बारे उन्होंने रिकॉर्डिंग्स मैंने देखी जो कि नैचुरोपैथी का इलाज करते हैं। डिप्रेशन और एंगजाइटी का ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हूँ।
मैनू पता लग्या सी अपनी फ्रेंड कोलों कि जे संत जगदीश मुनि जी नैचुरलपैथी नाल ट्रीटमेंट करते हैं, उन्होंने अपनी नी का ट्रीटमेंट करवाया सी फाजिलका विच कैंप अटेंड करके। संत जगदीश मुनि जी फाजिलका तो ही बिलोंग करते सी और उत्थे वो अप्रोक्सीमेटली 488-87 कैंप लगा चुके हैं। हुण उन्हों का 488वां कैंप उत्थे फिर लगना हैगा 26 सितंबर तो 10 अक्टूबर तक, जिस विच मैं इत्थे आके देखिया चढ़ी पिंड दे विच कि बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स लैके इत्थे 108 तरह दियां जिहड़ियां न्यूरो दे ट्रीटमेंट हैं वो हो जाते हैं न्यूरो हीलिंग सिस्टम नाल। इत्थे नैचुरलपैथी नाल ही सारा ट्रीटमेंट दिता जाता है। इन्हां दी जिहड़ी थेरेपी है बहुत ही अच्छी है, मैं तो देख के हैरान हो रही सी कि इन्नी थेरेपी नाल इन्ना वधिया ट्रीटमेंट कि मैनू इन्नी हैडिक सी, मेरा सिर दर्द इन्ने दिनों तो हो रहा है और इन्होंने दो बारी मैं थेरेपी दी कि वो मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो रहा है और मैं 5 दिन पूरा अटेंड कर रही हूँ। मेरे फ्रेंड भी नी का करवा रहे हैं, उन्होंने नी वो बिल्कुल चल नहीं सकते एक कदम भी, उन्होंने नी ट्रांसप्लांट दसिया बट उन्होंने जो फाजिलका अटेंड किया तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हम वो दोबारा भी अटेंड कर रहे हैं। इस वास्ते सीपी के बच्चे भी उन्होंने बहुत बेनीफिट्स होया, न्यूरो वाले बच्चे आ रहे हैं बहुत बेनीफिट हो रहा है, बैक पेन स्पाइनल कोर्ड विच प्रॉब्लम, LS4-5 विच प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, मतलब फ्रोजन शोल्डर, सब तरह की प्रॉब्लम्स का हल हैगा इन्होंने को, और सारा जोड़ा हैगा नैचुरलपैथी ना भी देती है। मैं अपने सारे इलाका निवासी या जो भी मेरे इस वीडियो में सुन रहे हो उन्होंने अपील करांगे एक बार जरूर मौके का फायदा उठान और संत जगदीश मुनि जी के कैंप में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा नैचुरलपैथी नाल, जिद दवाइया की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वो आपे थेरेपी देंगे, उस तो बाद तो कुछ एक्सरसाइजेस दसते हैं जिड़िया अपने घर करनी है, उन्हें तो हमेशा ही बेनीफिट बनिया रहेगा। थैंक यू सो मच, मैं फिर तुम्हें अरदास करती हाँ, फिर तुम्हें अपील करती हाँ कि जरूर बेनीफिट लो और आके इन्हों जो हम नवा कैंप चलना 26 सितंबर तो 10 अक्टूबर तक फाजिलका दे विच उत्थे अटेंड करके इहदा बेनीफिट लो। थैंक यू सो मच। मैं देवेंद्र सिंह राणावत उदयपुर राजस्थान से आया हूँ और मैं 1 साल से बच्ची का जो इसका था इलाज ले रहा हूँ सिलेक, क्योंकि एलर्जी है इसको सिलेक है, सिलेक डिजीज से एलर्जी लेने के लिए संत जगदीश मुनि जी की जो थेरेपी है न्यूरो हीलिंग थेरेपी पद्धति उसके थ्रू न्यूरो हीलिंग के थ्रू ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पहली बार हम अमरगढ़ गए थे और उसे कंटिन्यूस अभी 4th बार यहाँ फाजिलका में आ रहे हैं और अभी जो उसका TTG का जो टेस्ट करवा रहे हैं, पहले 203 शुरुआत में था, उसके बाद 160 आया, फिर थोड़ा 180 तक आया, अभी 100 के आसपास है। तो पूरा विश्वास है कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और संत जगदीश मुनि जी की जो न्यूरो हीलिंग थेरेपी है वो इस पे काम कर रही है और अच्छे से विश्वास करके हम काम करेंगे तो शायद क्योर हो जाएगी बीमारी। यही बस भगवान का आशीर्वाद रहेगा और विश्वास अपना है उसके साथ में चलते जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी है विश्वास करें, इलाज करें, अपना भगवान पे विश्वास रखें, थेरेपी पे विश्वास रखें। संत जी पूरी सेवा कर रहे हैं इसमें लोगों की और अच्छे से अच्छा इलाज दे रहे हैं, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और अपने बच्चों को निरोग बनाना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप। कहाँ से आए? जम्मू से आया। जम्मू से बड़ी दूर से आए, तो ये न्यूरो हीलिंग कैंप का कैसे आपको मालूम पड़ा था? और इधर कैंप में आपको कितना टाइम हो गया? 5वें कैंप में लेकर आज तक कितना फर्क, क्या क्या फर्क पड़ गया? बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट। क्या क्या? यूनिट के ऊपर कंट्रोल नहीं था, पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं था, पैरों के ऊपर बैठ जाता है, पैरों के ऊपर नहीं बैठ सकता, क्या बात, कमर सीधी रखता है, टेढ़ा रहता था, साइड स्पोर्ट से बैठता था, बिना स्पोर्ट पे बैठ जाता था, जी जी, नींद अच्छी रहती है, क्या बात। ये जो इलाज हो रहा है न्यूरो हीलिंग, इस ये आपको कैसे, आपको इलाज कैसे लगा? मेन तो ये बहुत बढ़िया लगा था,
कई लोग मालिश कह रहे हैं, क्या ये मालिश है? मालिश नहीं सर, मालिश तो हम भी करते हैं, हमें 16 साल हो गए इसको मालिश करते हुए। सर्जरी हुई है सर इसकी? सही, कोई इसको फर्क नहीं पड़ा। 8 से ज्यादा सर्जरी हुई है। 8 से ज्यादा? कहाँ कहाँ से कराई? दिल्ली से करवाई है सर, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से। अच्छा, सर से करवाई है। अच्छा, 8 से 9 सर्जरी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं, उससे कोई टाइमिंग थोड़ा सा ऐसे टाइट हो रहा है। अब आपको क्या लग रहा है वैसे सही मायने में दिल से? सर हमें 100% ठीक हो जाएगा। क्या बात, गुड गुड, भगवान भला करेगा। सही, क्या नाम है तेरा? नवदीप कौर। नवदीप कौर? नवनीत कौर। नवनीत? हाँ जी। कितों आए जी? राजपुरा। राजपुरा पंजाब चो ही है? हाँ जी। ते ये जो कैंप संत जी का न्यूरो हीलिंग था, इधर किवें पता लग गया था? यूट्यूब राही देखता सी। यूट्यूब? ते की प्रॉब्लम की सी? कई इलाज नूं बाहर मालिश ही कही जांदे, मालिश है जां इलाज है? बच्चे नूं फर्क है कुछ? हाँ, तुहाडा पहला ही कैंप है? हुण तुसीं बीमारी नूं नहीं देखना, हुण सिर्फ इलाज नूं देखना है, क्योंकि बीमारी देखना तो डॉक्टर दा काम हुंदा है। तुसीं सिर्फ इहदे अंदर जो भी चेंज आवे उन्हां नोट करना है, नोटिस करना है, और फिर आके नैक्सट कैंप दे विच इत्थे आके संत जी नूं दसना है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। क्या नाम है? ज्योति। ऊंचा बोलना है आपको प्यार से। कहाँ से आए हो? मोगा से आए हो? क्या प्रॉब्लम थी? सीपी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो ये न्यूरो हीलिंग कैंप के बारे में कैसे पता लगा? हाँ जी, फेसबुक में देखा। तो यहाँ कितने दिन इलाज लिए है? 5 दिन में कैसा लग रहा है आपको? पहले से खड़न लग गई, खड़ी करके दिखाना। एक मिनट यार, चुप कराना। खड़ा होके दिखाओ। ओ, हाथ छोड़ लेते हैं? 2 मिनट से हुए। हाँ हाँ, मतलब आपको कैसा लगता है? तो पहले आपने कहाँ कहाँ से इलाज कराया था? बहुत जगह से करवाया। कहाँ? बहुत जगह में, मेन कहाँ? अच्छा, और वहाँ भी जवाब दे दिया। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि चल पाएगा। चल पाएगा, पूरी आशा है। वाह, क्या बात है। अच्छा, इलाज आपने 5 दिन लिया, आपने देखा भी होगा कुछ लोग बार कह देते हैं मालिश करते हैं बाबा जी, तो क्या ये मालिश है या इलाज है, इसमें आपको क्या अंतर दिखा? मालिश इलाज है। अच्छा, इलाज है, गुड। मेरा नाम कुछ दिनों तो मैं यूट्यूब उत्ते संत जगदीश मुखी बारे उन्होंने रिकॉर्डिंग्स मैंने देखियां, जो कि नैचुरोपैथी का इलाज करते हैं। ये देख के मेरे मन च एक बार आया कि मैं इन्होंने जितने हैड ऑफिस है पाटिल का भी जाके जावा, मैं देखा सही उत्तर किस तरह ट्रीटमेंट मिल सकता। मैं उत्तर गई तो उत्तर 5 दिन मैं रही उत्तर, मेरा उठी सी। ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ।
तीन चार दिन बाद मैं अच्छी तरह खड़न लग गई तो बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। हूँ इन्हों का दूसरा कैंप जोड़ा है वो इतने मोगा के नेे पिंड चढ़ गई है वो लग्या पा है वो दूसरी बार मैं इतनी प्रॉब्लम आई थी तो मैं उम्मीद है कि यह ट्रीटमेंट है ये मैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि इन्होंने मैं दसिया दो कैंप अटेंड करो तो मैं अगर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा तो मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं सारी अपने भैन भरावान सारी संगत को यही अपील कर रही है कि दवाइया के एलोपैथिक आयुर्वैदिक ना जाके आप नैचुरोपैथी के द्वारा ट्रीटमेंट कराइए ये बहुत अच्छा है। मैं पिछले महीने तो एक तो कोई दवाई नहीं ले रही थी और मैं ठीक महसूस कर रही हूँ तो मैं लगता है कि जो जगदीश ने जिन्हें अच्छी रिसर्च की है इस लाइन से जो लोगों को इतनी सेवा कर रहे हैं इन्होंने सेवा देख के ही दिल करता है कि तुम नैचुरोपैथी को इलाज कराओ। इतने बहुत सारे सीरियस पेशेंट्स आते हैं जो चल भी नहीं सकते। मैं खुद उन्होंने अखा अखा देखा है कि फाजिलका के इस तरह की लड़कियां से मेरी बैठी से मेरे सामने खड़े होकर तुर के गई इस तो मैं लगता कि नैचुरोपैथी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और सबको करवाना चाहिए। मेरी अपील है कि सब लोग इतने आओ तो आके एक बार देखो तो मुड़ के फाजिलका जाके 10 दिन रह के तुम करा के आओ तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है किधरे जाने की जरूरत नहीं है एक टाइम जाना है 15 मिनट का 20 मिनट का ओके जी शुक्रिया तुम्हारा। सन ऑफ गुजर सिंह पी टी ओ मैणा तहसील मलोट डिस्ट्रिक्ट मुकसर तो मैं ये संत जगदीश मुनि जी आश्रम मेरे चाचा जी इंग्लैंड रेंदे हैं उन्होंने मैं यूट्यूब तो सर्च करके मैं भेजा से मेरी गुड़िया 8 साल की वो बिल्कुल ही मंजे पर बैठी सी बिल्कुल चलती ना फिरती ना बहुत मुश्किल से। मेरा ये 5वां कैंप है तो 3जे कैंप तो बाद इसमें फर्क पैना शुरू हो गया से हूँ वो आपे रुड़ती भी है खड़ती भी है काफ़ी अगे नालों पेट भी वह साफ उन्होंने कब्ज वगैरह भी रही खाना भी नहीं खाती सी हूँ खाना भी वधिया खाती है वैसे पेट भी ठीक है समझदार भी होगी अगे नालों दे हाथ कम करन लग गई है वो स्कूल दे विच भी पढ़ती है इंटैलीजेंट अगे नालों बहुत काफ़ी फर्क है। तो ये संत जगदीश मुनि जी इन्हों का इलाज है जो थोड़ा जा लंबा है समा लग जाता पर 1 साल देखिए तो कोई ज़्यादा नहीं गा 8 साल नालों बहुत घट है जो भी इतने आने उन्होंने मैं तो यह कहना भी 1 साल तो पहला मिस नहीं करना गा वो तो वह इतो बच्चे ठीक हो गए धन्यवाद जी। मैडम जी किस तरह महसूस कर दो कैंप बारे की कुछ कहना चाहते हो जरा कैंप लगे जी लहरे करके थोड़ी अगवाई है सब तो पहला मेरी सबनों सत श्रीकाल गुरु जी के चरणों के कोटि कोटि प्रणाम। जदों ही मैं इस कैंप के आई तो सारा देखिया तो मैं इन्नी प्रभावित हुई कि मैनू लगता साढ़े वास्ते लहरगढ़ वास्ते यह कैंप वरदान सिद्ध होगा भावें बहाना कोई भी बनिया लगाउण दा पर यह कैंप साढ़े वास्ते वरदान सिद्ध होगा तो असी साढ़े वालों पूरी कोशिश रहूगी जिमें कि MLA साहब कह के गए सी तो असी जगह भी प्रोवाइड करवावे हर महीने इतने कैंप लगाने की कोशिश करा तो जदों ही साड़ी ये गल पूरी होगी तो गुरु जी ने मंजूर भी की है साड़ी सेवा के असी हर महीने इतने पूरा टाइम देवे तो मैनू लगता साड़े इलाके दे दुख दर्द बहुत जल्दी दूर होंगे क्योंकि अज के समय के जेडे कि असी एलोपैथी दवाइया वाल ज़्यादा झुका कर चुके हैं तो उहदे नाल की होया साड़े दुखां दे विच वाधा ही होया सानू कुदरत वल मुड़ना पएगा मजबूरी नाल मुड़ना पएगा तो इन्हां कैंपां दे राहीं असी अपने दुख दर्दां नूं बहुत जल्दी ठीक कर सकांगे ते सस्ते च वी जिवें आपां देखदे हां कि हर कोई समर्थ नहीं है एलोपैथी इलाज लैण दे तो नैचुरोपैथी इलाज लैण दे हर कोई समर्थ है क्योंकि बिना फ्री देखो साडी सेवा कर रहे ने इस तों वड्डी गल साडे इलाके वास्ते होर कोई नहीं होएगी। तो मैं इस कैंप दे राहीं एक होर संदेश देना चाहुंदी हां साडी संगत नूं वी ते साडे लहरागागन वासियां नूं वी कि जिस तरह गुरु जी ने इन्ने नौजवानां नूं प्रेरित करके इस सेवा दे विच लगाया तो जेकर साडे नौजवान इस तरह इस सेवा दे विच लिप्त हुंदे ने तां उह बहुत वड्डा अपने विच नौजवान पीढ़ी दे विच सुधार पैदा होएगा तो वह नशा तो दूर रह के इस किते वल लग के अपनी रोजी रोटी भी कमा सकनगे ते सेवा
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੂੰ ਕਿ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭੈਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਂਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਥਰੈਪੀ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰੋਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੋਈ 23 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹ 23 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 100% ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਸਾਈਡ ਜੋ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਥਰੈਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਗੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਥਰੈਪੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੋ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ 100%। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖੇ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਪੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਡੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ 'ਚ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਵੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। क्या नाम है आपका? रेखा बडेरिया। रेखा जी, आप कहाँ से आए? सतना। तो ये जो हमारा शिविर है, इसके बारे में आप कैसे बात करें? मैंने फेसबुक पे देखा था आपका शिविर, तरीका अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल अच्छा लगा। आप जिस तरीके से करते हैं, जो टैटनिंग लोग इसे मसाज समझते हैं, लेकिन जो आप टैटनिंग से करते हैं वो मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि मेरी बेटी को आराम मिलेगा। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम थी? वो पैर उठा के चलती है, उसकी मसल्स टाइट है। उसका एक पैर और एक हाथ। ये बाय बर्थ से? ये बाय बर्थ है। तो ये इधर आपका कौन सा कैंप होगा? ये मेरा पांचवा। पांच कैंप आना मतलब 5 महीने हो गए। तो आप 5 महीने से यहाँ आ भी रहे हैं, आप इलाज को देख भी रहे हैं, टेक्निक को भी देख रहे हैं। तो आपके अनुभव से आपको कैसे लग रहा है ये ट्रीटमेंट? मुझे तो मतलब चीज अच्छी है, ये हर चीज मुझे जो अनुभव हुआ अभी तक खराब हुआ है। ये समय लगता है, लेकिन ये जो टेक्निक है उससे मेरी बेटी को आराम मिलेगा। आपकी बेटी को तो आराम मिलेगा, लेकिन आपको लोग भी देख रहे हैं कि जो हम इलाज दे रहे हैं क्या वो साइंस के मुताबिक सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जिस चीज पे काम करते हैं, मसल पे काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी पे काम कर रहे हैं, पेट में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आप उस पे काम कर रहे हैं, तो असर तो आना ही चाहिए। ज्यादातर आजकल लोगों का रुझान दवाइयों पे, और दूसरा हमारे विश्व के अंदर 4 तरह की पैथी होती है, जैसे एलोपैथी दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ होगी, उसके बाद हमारा आयुर्वेद जो जड़ी बूटी सिस्टम है मेन वो है, उसके बाद हमारा होम्योपैथी का हो गया, और सबका शिरोमणि जो है वो होता है नेचुरोपैथी जी। कि हम आज से हजारों लाखों वर्षों पीछे देखेंगे तो नेचुरोपैथी से ही रोगों को ठीक किया जाता है। और दूसरा हमारा ये मानना है, हमारे से लोग सवाल भी करते हैं कि आप बिना दवाई कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या आपके पास ऐसा है जादू? मेरी बेटी आज 9 साल की है, मैं 3.5 साल से उसका इलाज करा रही हूँ। मैंने फिजियोथेरेपी करवाई, मतलब नेचुरोपैथी पे ही गई, लेकिन मुझे सीबी बच्चों में ये लगा है कि उनका दवाई से कोई दवाई आपको शांत कर सकती है। क्या नाम है? मेरा नाम चित्रंजन कुमार ओझा। कहाँ से आप पधारे हैं? हम बिहार में सिवान जिला गोरियाकोटी गांव से। अच्छा, तो फाजिलका में आप इलाज के लिए आए, तो कहाँ रुके हैं? हम अग्रवाल धर्मशाला में रुके हैं। तो वहाँ से ऑटो पे आते हैं? ऑटो से आते हैं जी। कितने पैसे लेता है? 150 रुपया लेता है, कोई 100 रुपया लेता है। 150 लेता है, कोई 100 लेता है जी। बिहार व्यवहार ठीक रखते हैं या कैसे व्यवहार कैसा करते हैं? व्यवहार सही नहीं करते। व्यवहार सही नहीं करते मतलब फिक्स रेट नहीं है? नहीं, जितना मिल जाए उतना ले लेना। जितना मिल जाए उतना लेते, फिक्स नहीं है, क्योंकि फाजिलका से बनवाड़ा जो है वो 3 किलोमीटर है जी, तो फिक्स से आते हैं। और ई रिक्शा वाले कितने लेते हैं? ई रिक्शा वाला का मालूम नहीं है, हम एक दिन ऑटो से आए, दोबारा बस से आते जाते। ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि आपका पेट का चिकित्सा हो रहा है, इसलिए ऑटो पे नहीं आना है, ई रिक्शा से आ सकते हैं, उसकी जो है ना वो धड़कन थोड़ी कम होती है जी, जी। या फिर आश्रम में फोन करना है, आपको गाड़ी लेके जाएगी जी। ठीक है ना, ऑटो पे बिल्कुल नहीं आना है जी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है जी। ठीक, क्या नाम है आपका? खुशबू आहूजा। हाँ जी, खुशबू आहूजा। खुशबू आहूजा कहाँ से आए हैं? हम देहरादून से। देहरादून से,
क्या प्रॉब्लम थी? मेरे बेटे को सीपी की प्रॉब्लम है, बाय बर्थ है उसको प्रॉब्लम, तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए आए। तो ये न्यूरो हीलिंग जो संत जी ने कैंप, इसका कैसे मालूम पड़ा आपको? जी एक बार ऐसे रात को बैठे हुए फेसबुक पे इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट देख रही थी जी, तो वहीं से हमने आपका भी देखा का, उसी के जरिए फिर हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ आके आपने कितने दिन ट्रीटमेंट लिया? आज पांचवा दिन है उसका, आखिरी ट्रीटमेंट था आज के दिन का। जी जी, तो कैसा लगा? बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली है यहाँ पर, बस ऐसा फील हो रहा है कि अब यही एक आखिरी रास्ता है जहाँ से बेटे ने अब ठीक होकर जाना। जी, जी अभी तक बहुत ट्रीटमेंट लिए हैं हमने, ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सी चीजें इम्प्रूव भी हुई है उसकी, बट स्टक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो स्टक हो गई चीजें। अब लग रहा है कि ये राइट पाथ है जहाँ माया, यहाँ से बस अब ठीक होकर ही निकल जाए। जी जी, तो ये जो इलाज दिया, न्यूरो हीलिंग इलाज दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर मालिश भी कह रहे हैं, तो आपको, आपने इसको कैसे फीलिंग किया? नहीं देखिए, मालिश तो हम नहीं करेंगे, हम जैसे यहाँ पर नर्व्स का ट्रीटमेंट, न्यूरो मतलब नर्व्स से ट्रीट किया जा रहा है, जो ब्लॉकेज ऑफ नर्व्स है वो मुझे नहीं लगता मालिश से ठीक होती है, वो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप लोग काम करते हैं, आप लोग की उस पर इतनी पुरानी वो है करी हुई, तो मालिश तो नहीं करेंगे हम इसे, मालिश से बहुत बहुत ऊपर है। ऊपर, गुड गुड गुड, थैंक यू। क्या नाम है? और कहाँ से आए आप? हिमाचल में, कहाँ से? मंडी से। क्या प्रॉब्लम थी इसको? अच्छा, कैसे पता लगा ये न्यूरो हीलिंग कैंप शिविर का? फेसबुक। तभी कितनी बार आए इधर? चौथा। तो अभी कैसे लग रहा है? ठीक रहा है, घूम लगे इसकी ऐसे लगी थी। बाकी स्टैंडिंग थी थोड़ी लचक गई थी, थोड़ा टिकाऊ बना गया इसमें। थोड़ा खड़ा भी होने लग गया, खुद भी खड़ा हो गया, स्टेप भी उठाने लगे, बैठ पे को 14-15 स्टेप ले लेता है। अच्छा, कैसे लग रहा है भैया आपको? अच्छा, गुड। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप। कहाँ से आए? जम्मू से। जम्मू से, बड़ी दूर से आए। तो ये न्यूरो हीलिंग कैंप का कैसे आपको मालूम पड़ा था? अच्छा, नवंबर में मैंने पहला देखा। क्या प्रॉब्लम थी? सीपी बाई बर्थ। और इधर कैंप में आपको कितना टाइम हो गया? पांचवा कैंप में लेकर आज तक कितना फर्क, क्या क्या फर्क पड़ गया? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। क्या क्या? यूनिट के ऊपर कंट्रोल नहीं था, पार्टी के ऊपर कंट्रोल था, कंट्रोल है, पैरों के ऊपर बैठ जाता है, पैरों के ऊपर नहीं बैठता, क्या बात, कमर सीधी रखता है, टेढ़ा रहता था, साइड स्पोर्ट से बैठता था, बिना स्पोर्ट पे बैठ जाता था। जी जी, नींद अच्छी रहती है, क्या बात। अच्छा, ये जो इलाज हो रहा है न्यूरो हीलिंग, इस ये आपको कैसे, आपको इलाज कैसे लगा? मेन तो ये है, बहुत बढ़िया लगा था। कई लोग मालिश कह रहे हैं, क्या ये मालिश है? मालिश नहीं सर, मालिश तो हम भी करते हैं, हमें भी 16 साल हो गए इसको मालिश करते हुए, सर्जरी हुई है सर इसकी, कोई इसको फर्क नहीं पड़ा, 8 से ज़्यादा सर्जरी हुई है इसकी। 8 से ज़्यादा। कहाँ से कराई? दिल्ली से करवाई है सर, चार्ल्स डेविन हॉस्पिटल से। अच्छा, सर से करवाई है। अच्छा, 8-9 सर्जरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं, उससे कोई टाइमिंग थोड़ा सा ऐसे टाइट हो रहा है। अब आपको क्या लग रहा है वैसे, सही मायने में दिल से? सर हमें 100% ठीक हो जाए। क्या बात, गुड गुड, भगवान भला करें। सही, क्या नाम है आपका? हाँ जी, खुशबू आहूजा। खुशबू आहूजा, कहाँ से आए हैं? हम देहरादून से। देहरादून से, क्या प्रॉब्लम थी? मेरे बेटे को सीपी की प्रॉब्लम है, बाय बर्थ है उसको प्रॉब्लम, तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए आए। तो ये न्यूरो हीलिंग जो संत जी ने कैंप, इसका कैसे मालूम पड़ा आपको? जी एक बार ऐसे रात को बैठे हुए फेसबुक पे इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट देख रही थी जी, तो वहीं से हमने आपका भी देखा, बाबा जी का, उसी के जरिए फिर हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ आके आपने कितने दिन ट्रीटमेंट लिया? आज पांचवा दिन है उसका, आखिरी ट्रीटमेंट था आज के दिन का। जी जी, तो कैसा लगा? बहुत
बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं यहाँ पर। बस ऐसा फील हो रहा है कि अब यही एक आखिरी रास्ता है जहाँ से बेटर ने अब ठीक होकर जाना है। अभी तक बहुत ट्रीटमेंट लिए हैं हमने, ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सी चीजें इम्प्रूव भी हुई है उसकी, बट स्टक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो स्टक होगी चीजें। अब लग रहा है कि हाँ ये राइट बात है, जहाँ माया यहाँ से बस अब ठीक होकर ही निकलना है। जी जी, तो ये जो इलाज दिया, न्यूरो हीलिंग इलाज दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर मालिश भी कह रहे हैं, तो आपको, आपने इसको कैसे फीलिंग किया? नहीं देखिए, मालिश तो हम नहीं करेंगे, हम जैसे यहाँ पर नर्व्स का ट्रीटमेंट, न्यूरो मतलब नर्व से ट्रीट किया जा रहा है, जो ब्लॉकेज ऑफ नर्व्स है वो मुझे नहीं लगता मालिश से ठीक होती है। वो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप लोग काम करते हैं, आप लोग की उस पर इतनी पुरानी वो है करी हुई, तो मालिश तो नहीं करेंगे हम इसे, मालिश से बहुत बहुत ऊपर है। ऊपर, गुड गुड। क्या नाम है? ज्योति। ऊंचा बोलना है आपको, प्यार से। कहाँ से आए हो? मोगा से आए हो। क्या प्रॉब्लम थी? सीपी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो ये न्यूरो हीलिंग कैंप के बारे में कैसे पता लगा? हाँ जी, फेसबुक में देखा। यहाँ कितने दिन इलाज लिए है? 5 दिन में कैसा लग रहा है आपको? पहले से खड़न लगी, खड़ी करके दिखाना। एक मिनट यार, चुप कराना। खड़ा होके दिखाओ। हाथ छोड़ लेते हैं? 2 मिनट हुए। हाँ हाँ, मतलब आपको कैसा लगता है? तो पहले आपने कहाँ कहाँ से इलाज कराया था? बहुत जगह से करवाया है। कहाँ? बहुत जगह में, मेन कहाँ? अच्छा, वहाँ भी जवाब दे दिया। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि चल पाएगी। चल पाएगा, पूरी आशा है। वाह, क्या बात है। अच्छा, इलाज आपने 5 दिन लिया, आपने देखा भी होगा, कुछ लोग बार कह देते हैं मालिश करते हैं बाबा जी, तो क्या ये मालिश है या इलाज है, इसमें आपको क्या अंतर दिखा? मालिश इलाज है। अच्छा, इलाज है, गुड। क्या नाम है? हरविंदर कौर। हरविंदर कौर, आप जी कितों आए हो? जलंधर। जलंधर, क्या प्रॉब्लम थी? बेटी को पैरालाइज है। अच्छा अच्छा, ये न्यूरो हीलिंग कैंप बारे किस तरह पता लगा? बाय फेसबुक। बाय फेसबुक। इतने आए, कितने दिन इलाज लिए? 5 दिन आई लास्ट टाइम। इलाज किस तरह लगे? बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, की अच्छा। मैं बहुत नेगेटिविटी वाली थिंकिंग से मेरी, मैं पॉजिटिव हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, पॉजिटिव हो गए। मैं पॉजिटिव हूं। ठीक है, ठीक है। कई लोग इलाज नु बार मालिश ही कही जांदे ने, ये किस तरह तुसी देखदे दे हो? हीलिंग। हीलिंग, क्या बात, गुड। ठीक, क्या नाम है? शोभा मिश्रा। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर यूपी। आवाज ढीली आ रही है। गोरखपुर, गोरखपुर से। क्या प्रॉब्लम थी? इसलिए मेरे बच्चे को फिट्स की प्रॉब्लम। अच्छा, और बोलना चलना है सब नहीं। अच्छा, 3 साल से डाउन ही होते गया। जी, तो ये न्यूरो हीलिंग कैंप के बारे में कैसे आपको मालूम पड़ा? मैंने बाबा को फेसबुक पे देखा था। जी, तो हम देख के फिर इस उम्मीद से आए कि बाबा मेरे बच्चे को ठीक करेंगे। और अब ये मेरा दूसरा कैंप है। कहाँ कहाँ से आपने इलाज लिया होगा इस बच्चे की, इस प्रॉब्लम के लिए? मैंने मुंबई से ट्रीटमेंट लिया, दिल्ली में रहता, गुड़गांव हॉस्पिटल से, पीजीआई लखनऊ से, और हर जगह मैंने बच्चों को अपने लेके 3 साल से हम हर जगह दिखा ही रहे हैं जो, बट डाउन ही होता जा रहा है। डाउन होता? हाँ, डाउन ही हुआ। मेडिसिन तो हमने दिया लेकिन डाउन ही हुआ, कोई रिलीफ इसको नहीं मिला। अच्छा, ये जो न्यूरो हीलिंग ट्रीटमेंट के बाद आपको कैसे कुछ लगा? अभी तो मेरा दूसरा कैंप है जी, और हम चाहेंगे कि मतलब अभी आगे भी हम करेंगे ही जी, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा भी रिलीव लग रहा है, क्योंकि
दो कैंप आपने अटेंड किया, मीन 10 दिन का कैंप हो गया जी। 10 दिन में आपने क्या क्या फीलिंग अनुभव किया? 10 दिन में जैसे मेरे बच्चों को मेडिसिन के वजह से पेट में गांठ हो गई थी, तो वो अभी रिलीव है। 10 दिन के अंदर हमें वो दिखा कि वो है नहीं अभी चीज, अभी वो रिलीव है उसको। अच्छा, स्वामी जी जो चिकित्सा दे रहे हैं उस चिकित्सा को आप किस नजर से देखते हैं? स्वामी जी को तो हम भगवान के अंश ही हैं, सब लोग तो भगवान के अंश ही होते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। जो चिकित्सा दे रहे हैं उस चिकित्सा जैसे वैज्ञानिक तौर पे या इसको आप कैसे लेते हैं? चिकित्सा मतलब जैसे कई लोग बार कह रहे बाबा जी मालिश करते हैं, क्या ये मालिश का है या इलाज है? ये तो एक इलाज ही है। एक इलाज के तौर पे जो भी न्यूरो जैसे अपने नस से संबंधित है उस तरह है। गुड, हमें उम्मीद है कि इसे रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिल रहा है? रिलीफ अभी तो हमें कुछ दिख रहा है, दिख रहा है बच्चे। जी जी गुड। हाँ जी, की नाम से? भीमसेन जी। भीमसेन जी किस जगह तो आए हो? हरियाणा फतेहाबाद जी। हरियाणा फतेहाबाद। ये कैंप बारे न्यूरो हीलिंग कैंप बारे किवें पता लग गया? हाँ जी, ये जी अपना मोबाइल मैसेज देखा जी, उत्थे पता लग गया जी। ते आया जी, फर्क भी है। अच्छा, पहले आ मुट्ठी है ना जी, इत्थे जाके बंद होंदी सी। अच्छा, हुण इत्थे बंद होंदी है जी। अच्छा, दोबारा देखो। हां, आ देखो जी, पहले इत्थे बंद होंदी सी, इत्थे जाके जन्म तो ही महसूस हो रहा है? किस तरह लग रहा है? ठीक हो जू? ठीक हो जी। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम दुबे। प्रेम दुबे जी। जी दुबे जी कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। गोरखपुर यूपी से, योगी जी के शहर से। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, तो आपको ये जो कैंप चल रहा है न्यूरो हीलिंग का, इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा? मुझे नेट के माध्यम से मालूम पड़ा था। अच्छा, मैंने देखा था, उसके बाद हम आए यहाँ पे नवा शहर, हमने अटेंड किया। हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है, चल नहीं पाता है और उसके बाद से उसको फिट्स आते हैं झटके टाइप में। तो अभी तो हमने एक कैंप अटेंड किया, दूसरा किया, उसको कंट्रोल भी है और उसके दवा खाने से उसके पेट में गांठे हो गई थी। जो 5 दिन वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ आने के बाद से दूसरे दिन उसकी गांठे वो खत्म हो गई। तो हमें बड़ी आस लगी है गुरु जी कि बस हमारा बच्चा सही हो जाए, क्योंकि हमें तो पूरा फायदा दिख रहा है। अच्छा, पर देखो फायदा तो दिख रहा है, लेकिन मेन बात ये है कि ये जो न्यूरो हीलिंग इलाज दे रहे हैं जी, ये इलाज आपको कैसे लगा? मेन को इलाज से ही सारी आस बनती है। ये इलाज हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा जी देखो मंत्र तो पढ़ते नहीं है, इलाज दे रहे हैं जी। ये इलाज आपको कैसा लगा, इलाज के बारे में? जी, इलाज बहुत अच्छा लगा। हम आए, हम दो कैंप में जुड़े, हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जिनको दुनिया से वो हार के यहाँ पे आए हैं,
और उनको भी देखा हमने, काफी हद तक रिलीफ होते हुए देखा। आपने उस बच्चे का कहां कहां से इलाज किया था? हमने उस बच्चे का इलाज इंडिया में तो 50% हम घूम ही चुके हैं, 60% और हमने मुंबई, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह तलाश किया। वहाँ से इलाज लेने के बाद, दवाइयाँ लेने के बाद और यहाँ इलाज लेने में क्या आपको अंतर कुछ लगा? वहाँ से हमने इलाज कराया, रिलीफ कुछ नहीं मिला। 10 दिन का रिलीफ मिलता है, कुछ नहीं। जो भी होता है 10 दिन तक सब लोग बोलते हैं मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिलीफ कुछ नहीं मिलता। बाद में बोल देते हैं कि हमारे बस का केस नहीं, आप लेके जाओ, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें आशा भी मिली है और हमें फायदा भी दिख रहा है। जी जी, गुड। हेलो जी, मेरा नाम बलविंदर कौर, मैं स्कॉटलैंड तो आई हाँ, तो यूके की कंट्री है। तो मेरा 6-7 साल तो एलर्जी की प्रॉब्लम से मैनू जगदीश मुनि जी का पता लग्या यूट्यूब तो। मैं इन्होंने बारे पता करके मैं इलाज करा रहा, 6-7 इलाज करा रहे थे, मैं कोई फर्क नहीं पिया। तो इन्हों नैचुरोपैथी ना बहुत सोहना इलाज करते ने। अज मेरा दूसरा दिन है तो बहुत सोहना इन्हों का सिस्टम आ, तो मैं बहुत वधिया इन्होंने देखा, मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैनू अगे ना बहुत ज़्यादा फर्क है। थैंक यू जी बहुत। क्या नाम है तेरा? नवदीप कौर। नवनीत कौर, कितों आए जी? राजपुरा, पंजाब चो ही है। तो ये जो कैंप संत जी का न्यूरो हीलिंग का, यदा किवें पता लग्या था? यूट्यूब ते की प्रॉब्लम की थी? बच्चे की राइट साइड नहीं जाती। अच्छा। ते इत्थे किन्ने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। 5 दिन का इलाज दा किवें लग्या था? हां जी वधिया लग्या। वधिया लग्या? हां जी। की वधिया लग्या? के प्रॉपर पूरी जिवें दसादी इलाज कर दे, ठीक लगे। कई इलाज नु बाहर मालिश ही कही जांदे, मालिश है या इलाज है? नहीं, मालिश ता नहीं है, खैर जिवें सानु चलान दी कोशिश करते हैं, करते हैं, नहीं मालिश नहीं है। सिस्टम जो इलाज करन दा किदा लगे? हां जी सिस्टम वधिया, बिल्कुल वधिया। बच्चे नु फर्क है कुछ? फिलहाल मैं उन घर जाके भी जो जो एक्टिविटी करूंगा मैं उस से नोटिस करूंगी बीमारी देखना तो डॉक्टर का काम होता है। तुसी सिर्फ ए अंदर जो भी चेंज आवे उन्हें नोट करना, नोटिस करना और फिर आके नैक्सट कैंप आके संत जी दसना, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। की नाम है? बलकरण सिंह मेरा नाम। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਫਿਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ, ਸੀਪੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਸੀਪੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਹਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਲੀ ਮੰਡੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਫਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਡੇਰੇ ਮੈਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ ਔਰ ਆਪਕੇ ਜੋ ਪਟਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਿਆ। अच्छा, तो यहाँ जो इलाज लिया 5 दिन हो गया? आज आखिरी दिन। कैसे लग रहा है आपको बच्चे का इलाज? बच्चे का ठीक लग रहा है जी, जैसे इलाज चलता रहा था हो सकता है बच्चा ठीक हो जाए। हो सकता है, मतलब कुछ लग रहा है भी ठीक हो जाएगा? हाँ। इलाज कैसे लगा, जब इलाज जच गया तो? नहीं, इलाज तो जो इलाज किए संत जी ने वो कैसे लगा आपको? वो बहुत अच्छा लगा जी। तो कई मालिश ही कह रहे हैं ना, मालिश करते हैं? नहीं, उसमें इसमें कोई फर्क है? बहुत अंतर आई। अच्छा, अंतर है। क्या अंतर लगा आपको? वो तो ये वैसे नॉर्मली करते। अच्छा, ये प्रॉपर इलाज लगा आपको? प्रॉपर इलाज लगा जी। क्या बात, गुड गुड, ठीक। क्या नाम है आपका? सचिन। हाँ जी,
ससी नाम कहाँ से आए हो? चरखी दादरी से हूँ, हरियाणा से। चरखी दादरी हरियाणा से? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? अच्छा अच्छा। तो ये जो कैंप न्यूरो हीलिंग का चला, इसका कैसे मालूम पड़ा आपको? मैं यहाँ आई हुई थी तो मुझे किसी ने बताया था। कहाँ आई हुई थी? यही फाजिलगा में, मतलब इधर। पूरे रिलेटिव आपके? ये सर्विस करते हैं पीएनबी बैंक में। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके हस्बैंड? हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, तो तभी मकान मालिक ने बताया कि यहाँ लगा हुआ है हीलिंग कैंप। लगा हुआ, कैंप लगा हुआ है फाजिलगा में? फाजिलगा जी जी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी देख लेती हूँ करवा के। तो आज कितने दिन करवाया आप? मेरे पास 5 दिन हो गए। 5 दिन में ये इलाज कैसे लगा आपको? ठीक लगा मेरे को। और आपको कितना आराम भी है? मेरे को आराम भी। हाँ जी। कितना आराम है? 30-40% के करीब होगा। 30-40%? हाँ। अच्छा, इलाज कैसे लगा? कई लोग बाहर कह रहे हैं कि ये बाबा जी तो मालिश ही करते हैं। कैसे लगा? अब मालिश तो चलो करते हैं, लेकिन अब वो तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है लग रहा है वैसे। इलाज आपको? हाँ। इलाज दिया है? हाँ। मतलब आपको इलाज करने का तरीका कैसे? हाँ, ये वो ठीक है, अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। बट ठीक, धन्यवाद। ये नाम माता जी? हाँ जी, गुरमीत कौर। गुरमीत कौर, केड़ी जगह तो आए हो? अमृतसर। अमृतसर, की प्रॉब्लम की थी? सीपी। किन्नी एज है? 18। अच्छा, ये कैंप का फिर किमें पता लगे आप जी? किन्नी बारी आ गई थी? तीसरा कैंप। हूँ कि लगता पहले नाम फर्क है? ये जो इलाज संति कर रहे हैं न्यूरो हीलिंग, कई मालिश भी कह रहे हैं, तुम्हें किदा लगता है? नहीं जी, मालिश नहीं है, तुम्हारे अपने पॉइंट। अच्छा, मतलब इलाज? हाँ जी, ठीक लगता है। हाँ जी, सब सही लगता है। सही लगे? पहले भी इलाज कराते हो गए? पहले बहुत पेशेंट रहे, पेट में आए। उन्हां नाल कोई फर्क? क्या फर्क? उन्हां नाल फर्क? हाँ, उन्हां नाल काफी असर। अच्छा, उन्हां ओदे विच रहंदे विच कुछ फर्क लगता है तुहानूं? हाँ जी, ये तो तुहाडी अपनी ट्रीटमेंट वधिया। हाँ जी, अच्छी है। हाँ जी, चलो ठीक है, पलो। हाँ जी, क्या नाम है? बबीता शर्मा है। मेरी बेटी का नाम वैशाली है। मेरी बेटी को विल्सन डिजीज है। कौन सी? विल्सन डिजीज, ब्रेन में कॉपर चला जाता है। जी जी। तो 4 साल से फिर मेरी बेटी को दिक्कत हो गई, जिससे हाथ पैर चलने बंद हो गए और आवाज भी बंद हो गई। जी। बहुत इलाज करवाया मैंने, कुछ ही थोड़ा बहुत चलने तो लगी थोड़ा थोड़ा। कहाँ कहाँ से कराया? मैंने अपोलो हॉस्पिटल से करवाया है, PVPL से भी चला हुआ है हॉस्पिटल से इसका इलाज, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको। फिर मैंने फेसबुक पर देखा, यहाँ आई हूँ, क्या बात है। बहुत आराम है। इलाज संत जी का कैसे लगा आपको? इलाज कैसे लगा? ये इलाज बहुत अच्छा लगा। जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कई लोग पूछ लेते हैं आप क्या करते हो, तो आपको कैसे लगा ये? मेरे को ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा, और अगली बार फिर सच में लेके आऊंगी। बाबा जी ने तो मना किया था कि इसमें एज में वो इलाज नहीं होगा। जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम हरजीत कौर। ते कित्थों आए आप जी? असी कपूरथले तों। ये जो न्यूरो हीलिंग कैंप चल रहे है, इहदे बारे किस तरह पता लगया? असी फोन ते देखिया सी जी, फेसबुक ते। ते की प्रॉब्लम सी? हाना अड्डी नहीं लगांदा नीचे। अच्छा, ते बावा अकड़ा के इदा कठिया करा हुंदा वे। अच्छा अच्छा। कई लोग मालिश कही जाते हैं, मालिश है या किवें लगे? नहीं, हर कोई थोड़ी कर। जिहड़े तुहाडे आस पास लोग ने या संगत ने, उन्हां नूं की दसना चाहोगे? क्योंकि जे ओह आए नहीं हैगे, तुसीं देख भी लिए, उन्हां नूं की दसना चाहोगे? हाँ जी, यही कहांगे तुसीं भी आओ, अपने बच्चे ठीक करो, सारे इलाज वधिया वा। विश्वास करना पैणा वा। हाँ, विश्वास तो करना। हाँ जी, कोई भी चीज़ है, श्रद्धा और विश्वास जरूरी। विश्वास ना होना जी, विश्वास करके ठीक हो। शुक्रिया। क्या नाम है? प्रियंका शर्मा। प्रियंका शर्मा जी,
कहाँ से आए? मैं नकोदर तो। नकोदर। एक न्यूरो हीलिंग कैंप बारे किस तरह पता लगा? मैं फेसबुक पे देखा सी था। फेसबुक तो जरिए मैं देख के फेसबुक पे जिदा पोस्ट वगैरह पाई हुई सी गया उन्होंने मैं फॉलो किया फिर मैं वधिया लगा फिर मैं इत्थे आ के आपको देखिया। अब जो अपने बच्चे ने लेके आए? हाँ जी। ये कितने साल दा? ये 5.5 साल दा। साढ़े? 5.5 साल दा। अच्छा ते किन्वा कैंप हो गया आप जी ने इलाज करा? तीसरा कैंप। तीसरा? हाँ जी। तीसरे कैंप दे विच तुहानू किस तरह लगया इलाज? तीसरे कैंप में मैनूं थोड़ा जिहा फर्क लगा जिदा हाथ दी ग्रिप वगैरह आई आ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਏਡੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸੰਤ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਬਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵਿਊਸ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਖੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਵਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? और कहाँ से आए आप? हिमाचल में कहाँ से? मंडी से। क्या प्रॉब्लम थी इसको? अच्छा कैसे पता लगा ये न्यूरो हीलिंग कैंप शिविर का? फेसबुक। अभी कितनी बार आए इधर? चौथा। चौथा अभी कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है। घूम कर इसकी ऐसे लग रही है ये खुल रही है। बाकी स्टैंडिंग की थोड़ी लचक देगी थोड़ा टिकाव बना गया इसमें। थोड़ा खड़ा भी होने लग गया। खुद भी खड़ा हो गया। स्टेप भी उठाने लगे। बैठ पे तो 14-15 स्टेप ले लेता है। अच्छा कैसे लग रहा है भैया आपको? अच्छा गुड। क्या नाम है आपका? राज। हाँ जी राजकुमार। राजकुमार जी कहाँ से आए? गुराया से। हाँ जी गुराया से। गुराया तो ये न्यूरो हीलिंग कैंप के बारे में कैसे पता लगा? हमने यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा। और यहाँ आपका आज कितना कौन सा दिन है? आज 5वां दिन है। 5 दिन आपने इलाज लिया संत जी की सेवा देखी ये इलाज आपको कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या बढ़िया लगा? रात थोड़े अपने विच कलामत है गई पूरी करामत पूरी पूरी अभी बच्चे ने साडे ने एक हाँ। साल दे विच बाबे ने कृपा कर देनी थानू विश्वास हो? हां जी पूरे विश्वास ना होने दी संत जी जो सेवा कह रहे ने कई लोग कहंदे ने तो मालिश ही कर देने की मालिश है या मालिश? मालिश नहीं करदे जी। हां जो हत्थे दे कलामत है जी वो करदे जी। अच्छा 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 मतलब थानू किवें लग्या? बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लग्या। अच्छा अच्छा जेडे इलाज करा के जा रहे ने संगत जा रही है उन्हां नू किसे ने पुछया भी तुहानू किस तरह लग्या? असि किसे दी गल सुणदे नहीं हैगे। अच्छा सुणदे नहीं है? सुणदे नहीं है। अपना ही काम चलदा है बस बस ही थोड़े ते यकीन रख के बैठे बस। क्या तुहाडा बच्चा भी यही गल कहंदा? अच्छा ये भी यही कहंदा है? हां जी। ये किन्ने साल दा हो गया? ये 12वां साल दा है। 12वां साल हो गया ठीक है हुण लग रिहा है। हां जी हां जी चलो साल दे विच इहनू चला दांगे मालिक कृपा करे। आपे कहंदा बाबा जी ने भी चला देना। ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार है। कहाँ से आए? पटियाले से। ये न्यूरो हीलिंग कैंप के बारे में आपको कैसे पता लगा? ये बाबा जी हमें नेट से पता लगा। नेट से पता लगा? हाँ जी। अच्छा 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 तो यहाँ किस प्रॉब्लम के लिए आए? सर मेरी बेटी चलती नहीं थी जी। चलती तो कितने साल की है? ये 14 साल की है। 14 साल। हाँ जी। तो यहाँ आके आपको आज 5वां दिन है ना आपका? हाँ जी बाबा जी। तो कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा।
इलाज जो संत जी कर रहे हैं कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा जी मेरी बेटी। लोग इस इलाज को मालिश कह रहे हैं, क्या ये मालिश है? नहीं जी। अच्छा जी। क्या है? थेरेपी है जी। थेरेपी है। हाँ जी। ठीक लगी आप? बहुत अच्छी लगी। लोगों से भी मिले होंगे, लोगों ने क्या 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 बोले? लोग बीच में तो कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ कहते हैं बहुत अच्छे जी। नहीं नहीं, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं कि अच्छा नहीं है, कुछ कहते हैं क्या अच्छा नहीं है, उनसे पूछना। कोई ऐसे होता कोई ठीक नहीं होता, ठीक है ना, बीच में ठीक है, जो ठीक हो गया वो तो कहते हैं बहुत बढ़िया है, बाबा जी ने बहुत अच्छा किया। नहीं, ठीक होने वाले ज्यादा लोग थे जिन्होंने इलाज करवाया, वो क्या बोले? ठीक होने वाले तो बहुत है जिन्होंने इलाज करवाया, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, बाकी तो एक दो होते ही हर दिन, उनकी तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो करवाते भी नहीं है ना, कई लोग इलाज करवाते नहीं, देखते नहीं, वो वैसे ही बोल देते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ जी बाबा। हाँ हाँ, ठीक है। तो अपने लोगों को क्या बोलेंगे आप यहाँ के बारे में? हम यही बोलेंगे कि बाबा जी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है ना, आप इलाज करवाओ, बहुत अच्छा काम। गुड गुड, ठीक है। क्या नाम आपका? पूनम जी। पूनम जी कहाँ से आए आप? सोनीपत हरियाणा से। आपको इस न्यूरो हीलिंग कैंप के बारे में कैसे पता लगा? बाबा जी यूट्यूब से देखा था। यूट्यूब? हाँ जी। तो अभी आप बच्चे को दिखाने आए? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम थी? सीपी है जी मेरी बेटी। सीपी है। हाँ जी। तो यहाँ आके आज आपका पांचवा दिन है? हाँ जी। पांच दिन इलाज कराया ना? हाँ जी। तो कैसे लगा आपको इलाज? बहुत अच्छा लगा बाबा जी। बच्चे को कुछ रिलीफ लगता है? अभी तो देखो पहला कैंप है, वही है, मैं तो डेली देख रही हूँ उसको, जो दूसरे देखेंगे वही बता पाएंगे मुझे, तो मेरी बेटी को। इलाज कैसा लगा आपको? जो इलाज स्वामी जी दे रहे हैं, कुछ लोग मालिश ही कह रहे हैं, तो आपको यहाँ आपने पांच दिन देखा है, इलाज करवाया, आपको कैसा लगा? बेटी जैसे 14 साल की है, मालिश तो मैंने खूब की है, ये मालिश नहीं है बिल्कुल। जी जी। हाँ जी, ये थेरेपी है, न्यूरो हीलिंग थेरेपी, जो बहुत अच्छी है और इफेक्टिव भी है। अच्छी है। हाँ जी, जो मेरे साथ रुके हुए उनके बच्चों को दो दो दिन में मैंने रिजल्ट देखा है। देखा? हाँ जी। अच्छा लगा आपको? बिल्कुल। तो अपने देश के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? यही कि डॉक्टरों की दवाइयों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपने नेचुरल थेरेपी की तरफ जाएं। नेचुरल थेरेपी की। जी जी। बहुत अच्छा। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जी जी। ओके। क्या नाम सी? हाँ जी, मेरा नाम गुरजीत। कितना है गुरजीत? असी टोरंटो कनाडा तो है। कनाडा से। किस तरह पता लगे जो न्यूरो हीलिंग संत जी इलाज कर रहे ने तुहानू? हाँ जी, जिदा मेरे ब्रदर ला ने देखिया सीगा यूट्यूब ते, उस तो बाद उन्होंने जिदा गुरु जी ना कॉन्टैक्ट करके अपने टेस्ट वगैरह भी भेजे सी जो उत्थे हुए आ, उन्होंने उत्थे जिदा MS कह दिंदे आ, जिदा ब्रेन तो सिग्नल जिहड़ियां अपनी नाड़ा दिंदियां कि उन्हां दी लत नूं काफ़ी प्रॉब्लम है, पर वो तो नहीं आ सके। साडा जिदा अचानक प्रोग्राम बन गया सी, असीं आना सी, इलाज लिया वैसे इत्थे जो न्यूरो हीलिंग इलाज जो बाबा जी कह रहे ने, न्यूरो हीलिंग इलाज लिया, इलाज तुहानू किस तरह लगे? मेन तो कई लोग मालिश ही कही जाते। नहीं, मालिश तो नहीं कह सकते, लाइक साढ़े भी उत्थे जिदा है काफ़ी मसाज थेरेपियाँ वगैरह जो कुछ भी है, लाइक इन्हों पता है कि प्रेस पॉइंट करने या कि डिफरेंट तरीके कि लाइक मालिश करना एक कोई भी कर सकता, पर सही तरीके जो पॉइंट सारे प्रेस करने कि पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बाहर भी रहते हो उ पूरा साइंटिफिक तरीके ये साइंटिफिक लग रहे तुम? हाँ जी, हाँ जी लग रहा है। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਲਾਈਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ, ਗੁੱਡ।